भिलाईगढ़ के मानिकपुरी की ग्राम पंचायत नवापारा के पंच और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत सीओ को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। दरअसल सीओ को सौंपे ज्ञापन में सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है। इनका आरोप है कि सचिव ने पीएम आवास योजना में 4 से 5 हजार रूपए की रिश्वत ली है और इसी के साथ ही शिकायत करने वाले लोगों को धमकाया भी गया है, जिसकी जाँच की जाए। और ग्राम पंचायत से वहाँ जनपद पंचायत आए हैं सचिव का शिकायत लेकर, और सचिव हुआ यहाँ 15 साल वहाँ पदस्थ है। कार्ययोग्यता का पैसा का उन लोग मनमानी ढंग से करते हैं। हम लोग पंच हैं, हमको सूचना नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं, जानकारी पूछने के बाद धमकी देते हैं, मार देंगे पीट देंगे कहकर। हमारे पंचायत का सचिव सहदेव, वो पैसा लेते हैं आवास के लिए 5-5 हजार रुपये और करते नहीं है, उसको बार बार बोलते हैं तो फिर हमको मारने पीटने की धमकी देते हैं, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, बोलते हैं तो धमकी देते हैं। जांच कराने के लिए निर्देशित भी किया गया है, जांच दल गठित हो चुका है और उस जांच का प्रतिवेदन आएगा। उसके बाद जो भी है प्रतिवेदन में जो भी आएगा उसको देखेंगे, परीक्षण करके और करके उस पर कार्यवाही करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज अखिल मानिकपुरी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अखिल, यहाँ आवास योजना के तहत जो पैसों की बंदरबांट का आरोप सचिव पर लगा है, ऐसे में ग्रामीणों ने शिकायत भी कर दी है, ज्ञापन भी सौंप दिया है, क्या वजह है जो अभी तक न्याय नहीं मिला? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये विलायगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाली नवापारा की है, जहाँ 15 साल पहले से जब विभाजन हुआ था पंचायत, तब से वहाँ सचिव जो सहदेव शाह वो रह रहे हैं, जो कि वहाँ पर मनमानी तरीके से अपना 14वीं राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी भी निर्माण कार्य कराए बिना भी राशि का हरण कर लिया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों को जो आरोप लगाया जा रहा है। वही मैं बात करूँ तो पीएम आवास की, तो पीएम आवास पर प्रत्येक हितग्राहियों से 4 से 55 हजार रुपए लिया जा रहा है, ताकि इस नाम से लिया जा रहा है कि पीएम आवास पैसा दोगे तभी आ पाएगा, ऐसा उन लोगों का आरोप सचिव पर लगाया जा रहा है। जबकि इसकी शिकायत 3 महीना पहले ग्रामीणों के द्वारा जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत सीओ को किए हुए है, लेकिन आज तक इसकी कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसके काफी ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर से एक बार वो लोग इससे परेशान होकर त्रस्त होकर कि लगातार उन लोगों को धमकी दिया जाता है कि अगर शिकायत करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोलकर इस कारण से वो लोग फिर जनपद पंचायत सीओ को शिकायत किए हैं जिला पंचायत के नाम पर। लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं की, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि ब्लैगर जो जनपद पंचायत पूरी भ्रष्टाचार के भेंट पर है। इस पूरे मामले में बहुत सारी शिकायतकर्ता हैं, लगभग कितनी इनकी संख्या होगी और अभी तक उन्हें आश्वासन क्या मिला है और आगामी वक्त के लिए उन्होंने क्या चेतावनी दी है कि अगर अभी न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बता दूं ये 30 से 40 जो हितग्राही हैं उन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो पीएम आवास आते हैं उसके नाम से 4 से 50 हजार लिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत किए हुए हैं, लेकिन साफ तौर पर जो सीओ साहब यहाँ ब्लैगढ़ कुलेश्वर का इंक्वायरी उसका जांच करने की ही बात सिर्फ किया जा रहा है, लेकिन जांच सिर्फ एक महज खाना पूर्ति ही रह जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है। और आगे उन लोगों का यही कहना है कि अगर उसका दूसरे जगह स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन करने की बात कही जा रही है। क्या मामला कलेक्टर साहब तक भी पहुंच गया और अगर पहुंच गया है तो क्या आश्वासन मिल पा रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, ये जिला पंचायत सीओ मैं के पास पहुंच चुका है और जनपद पंचायत सीओ साहब के पास पहुंच चुका है, लेकिन जो सीओ साहब और जनपद पंचायत उससे हमारी बात हुई थी, इसका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पर जांच करवाएंगे, जांच गठित कर दिया गया है और जांच में जो तथ्य सामने आएगा उसके ऊपर उसके आधार पर फिर कार्रवाई किया जाएगा। सीओ साहब तक जैसा कि ज्ञापन सौंप दिया गया है, कुलेश्वर गायकवाड़ा जी, तो कुलेश्वर गायकवाड़ा जी का क्या कहना है इस संदर्भ में कि कब तक इस मामले को और प्रमुखता से उठा लिया जाएगा या जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मैम, जो सीओ साहब यहाँ का कुलेश्वर गायकवाड़ा जी, इसका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जांच नहीं होगी, जब तक जो भी तथ्य जो सामने नहीं आएगा, जो प्रक्रिया है उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जो सामने आएगा अगर इस टाइप की उपयोग में राशि का मांग कर रहे 3 से 4 4 से 5 हजार और ये बात सामने आते तो बिल्कुल सचिव के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन 3 महीने पहले भी इसका शिकायत भी कर चुका है लेकिन उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इस पर अधिकारी को भी संरक्षण सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको बता रहे हैं।